हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 की, जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, तो आज हम करेंगे क्या, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं सीधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गिवन एयर आर सम फिगर्स, ये हमें कुछ फिगर्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके बेसिस पे जो ये पांच हमें गिवन है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, इनके बेस पे इन्हें डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने सिंपल कर्व भी पढ़ी हुई है। सिंपल कर्व क्या होती है, एक सिंपल ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे। अब हमें इन फिगर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फिगर्स हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए फिगर नंबर 1, देखिए ये एक फिगर बन रही है लेकिन अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही, तो क्या एक सिंपल कर्व है, ये एक सिंपल कर्व है। फिगर नंबर 2, ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। अब थर्ड में क्या है, ये एक फिगर है लेकिन फिगर के अंदर एक और लाइन है, तो ये क्या है, ये नहीं है, एक सिंपल कर्व। अब फिगर नंबर 4 देखिए, ये एक स्टार बना हुआ है। अब इसमें इसने 5 पॉइंट्स पे अपने आप को क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या है, एक सिंपल कर्व नहीं है। अब फिगर नंबर 5 देखिए, फिगर नंबर 5 भी एक सिंपल कर्व है, फिगर नंबर 6 भी एक सिंपल कर्व है, और फिगर नंबर 7 भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि ये अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं कर रहे, तो सिंपल एक लाइन से बनी हुई है। अब फिगर नंबर 8 क्या है, ये देखिए दो सर्कल अलग हैं और एक लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये इस पॉइंट पे इनसे मिल रही है अलग अलग, तो ये भी एक सिंपल कर्व नहीं है। तो हमारी सिंपल कर्व कौन कौन सी हैं, 1, 2, 5, 6 and 7, तो ये फिगर्स क्या है, हमारी एक सिंपल कर्व है। अब देखिए सिंपल क्लोज कर्व, अब हमने सिंपल कर्व हमें पता है, हमें सिंपल क्लोज कर्व भी पता है। सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, जो एक एरिया बना रही हो, एक एरिया को बाउंड कर रही है और सेम अपने आप को क्रॉस भी ना करें, वो क्या होंगी, सिंपल क्लोज कर्व। अब देखिए देखते हैं इनमें से कौन सी है सिंपल क्लोज कर्व। फिगर नंबर 1, ये एक सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि ये एक एरिया भी बना रही है और अपने आप को क्रॉस भी नहीं कर रही। फिगर नंबर 2 भी है, फिगर नंबर 3 नहीं है, फिगर नंबर 4 एक एरिया तो बना रही है लेकिन क्या है, अपने आप को क्रॉस कर रही है, तो ये भी नहीं है। अब फिगर नंबर 5 ये भी है, फिगर नंबर 6 भी है एंड 7 भी है और 8 भी नहीं है, तो जो हमारी सिंपल कर्व है वही क्या होंगी, हमारी क्लोज कर्व भी होंगी। हम इनको लिख देते हैं 1, 2, 5, 6 and 7, तो ये क्या है, हमारी सिंपल क्लोज कर्व है। अब देखिए अब नेक्स्ट है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व से बना हुआ, लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बना हुआ क्या होती है, एक शेप होती है। अब हमें वही पता लगानी है। अब देखिए पॉलीगन बताना है हमें। तो फिगर नंबर 1 एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है क्योंकि क्या कर रही है, ये देखिए एक लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्या कर रही है, एक एरिया भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये क्या है, एक पॉलीगन है। फिगर नंबर 2, ये भी एक पॉलीगन है। फिगर नंबर 3 नहीं है। फिगर नंबर 4 एक पॉलीगन है, बिल्कुल ये एक पॉलीगन है। फिगर नंबर 5 पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि एक एरिया तो बना रही है लेकिन ये एक लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई, क्योंकि इसमें देखो कर्व है, एक सर्कल आ रहा है इस साइड भी इस साइड भी। सेम फिगर नंबर 6 भी नहीं है, फिगर नंबर 7 भी नहीं है क्योंकि इसमें भी कर्व आ रहा है। पॉलीगन क्या होते हैं, जो एक सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हों। अब फिगर नंबर 8 देखिए, फिगर नंबर 8 भी नहीं है। तो हमारे पॉलीगन कौन कौन सी फिगर हैं, फिगर नंबर 1, 2 and 4, ये क्या है, हमारे पॉलीगन्स हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, ये वो पॉलीगन होते हैं जिनके डायगोनल्स क्या हो, शेप के अंदर बने, मतलब इंटीरियर साइड पे बने, इनका कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर साइड पे ना बने। अब ऐसी कौन सी फिगर है, फिगर नंबर 1 देखिए, पहले तो एक तो ये पॉलीगन है तो हमें सिर्फ फिगर नंबर 1, 2 और 4 पे चेक करना होगा। अब देखिए चेक करते हैं, फिगर नंबर 1 देखो, इसका डायगोनल देखो, डायगोनल्स कैसे बनाते हैं हम,
कोई भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को जब एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक डायगनल बन जाता है। अब इसमें देखो, अगर हम इस पॉइंट को लें और इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स कौन सा होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो ये इन दोनों से तो इसे ज्वाइन करेंगे नहीं। अब जो इसे नेक्स्ट टाइम जब इससे ज्वाइन करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो एक डायगनल बनी। लेकिन ये डायगनल कहाँ बनी, फिगर के बाहर बनी, और कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, फिगर के अंदर बननी चाहिए डायगनल। तो ये क्या है, ये एक पॉलीगन तो है लेकिन एक कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अब फिगर नंबर टू देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये दोनों क्या हो गए, इसके कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। अब हमें ज्वाइन किससे करना है, इससे, तो ये बना दी हमने किसकी डायगनल। तो डायगनल कहाँ बनी, फिगर के अंदर, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। फिगर नंबर टू क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब फिगर नंबर फोर पे देखते हैं। अब फोर को देखो, इस पॉइंट की बात करूं मैं तो इसके कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होंगे, ये होगा एंड ये होगा। अब जब इसको नेक्स्ट से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगनल इसकी ऐसे बनेगी, एक डायगनल इसकी ऐसे बनेगी, एक इसकी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी एंड ये बनेगी। लेकिन जो इसकी डायगनल्स हैं ये फिगर के बाहर हैं, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो है सिर्फ और सिर्फ फिगर नंबर टू। तो फिगर नंबर टू क्या है, हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए कॉनकेव पॉलीगन देखिए। अब कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनके डायगनल क्या होते हैं, फिगर के बाहर भी बने। अब फिगर नंबर वन के भी बाहर बन रहे हैं और फिगर नंबर फोर के भी बाहर बन रहे हैं। तो फिगर नंबर वन भी हमारी क्या है, कॉनकेव पॉलीगन, और फिगर नंबर फोर भी क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। तो वन एंड फोर क्या है, हमारी कॉनकेव पॉलीगन। तो हमने इनको इस बेस पे क्या कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया जैसे इसने पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन ईजी लगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें तीन ऑप्शन गिवन है, एक तो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक है रेगुलर हेक्सागन एंड एक है ट्रायंगल। अब हमें इन तीनों फिगर्स में क्या बतानी है, इनकी डायगनल्स को बतानी है, इनके अंदर कितनी डायगनल्स बनेंगी। तो हम डायगनल्स निकालते हैं। सबसे पहले फिगर ए को देखो, ए में क्या बोला हुआ है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, जिसकी चार साइड्स होंगी, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा कि उसके डायगनल्स कहाँ बनेंगे, अंदर बनेंगे उस फिगर के। तो बनाते हैं, ये क्या हो गया, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इसकी चार साइड हैं और एक कॉन्वेक्स भी है। इसके डायगनल कहाँ बनेंगे, अंदर बनेंगे। अब हमें निकालने हैं इसके डायगनल। अब इसके वर्टेक्स कौन से हैं, ये इसके चार वर्टेक्स हो गए। अब डायगनल्स कैसे निकालते हैं, दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो क्या बनाएंगे, डायगनल। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये हो गए इसके नॉन कॉन्सिक्यूटिव। अब इसका जिसको ज्वाइन करेंगे हम, इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एक डायगनल इसका ये हो गया, एंड इस पॉइंट की बात करूं तो एक डायगनल इसका ये हो गया। तो इस फिगर में कितने डायगनल्स बनेंगे, टोटल टू। इसमें कितने हो गए, टू डायगनल्स। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर क्या है, रेगुलर हेक्सागन। अब देखो रेगुलर का मतलब क्या होगा, जिसकी साइड्स भी इक्वल हों और जिसके एंगल्स भी इक्वल हों। अब हेक्सागन का मतलब क्या है, जिसकी सिक्स साइड हो। एक हमें ऐसी फिगर बनानी है जिसकी छह साइड हो। अब बनाते हैं, एक फिगर बन गई जिसकी क्या है, छह साइड हैं। अगर इसकी छह साइड हैं तो इसके वर्टेक्स कितने होंगे, इसके वर्टेक्स भी छह ही होंगे। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करना है, इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। चलो डायगनल बनाते हैं। तो फिर पहले इसको लेते हैं हम, तो इसको हम किस किस से ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो ज्वाइन करेंगे इससे, एक ज्वाइन कर सकते हैं हम इससे, एंड एक ज्वाइन कर सकते हैं हम इससे, क्योंकि ये इसके साइड में ये दोनों क्या है, इसके कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है। हमें किससे ज्वाइन करना है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव से। तो इस पॉइंट के डायगनल्स बन गए ये। अब इस पॉइंट को लेते हैं, अब इस पॉइंट के क्या बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। अब देखो अब इस पॉइंट की बात करते हैं, अब इस पॉइंट पे इन दोनों से ज्वाइन नहीं करेंगे, बचेगा किससे, एक से ये पहले ही ऑलरेडी ज्वाइन है। अब सिंपल हमें इससे ज्वाइन करना है एंड इससे ज्वाइन करना है। अब इस पॉइंट के लिए भी
हमें किससे ज्वाइन करना है, दो से ज्वाइन है ये सिर्फ, इससे और ज्वाइन करना है, तो ये बन गया। अब इस पॉइंट के लिए देखो, ये तीनों से ज्वाइन है, मतलब हर वर्टेक्स क्या होगा, तीन डायगोनल बना रहा है, क्योंकि देखो छह है, अब छह में से दो से ये ज्वाइन नहीं हो सकता। अब बची कितनी, बाकी की तीन, क्योंकि एक ये खुद हो गया, तो ये बाकी तीनों से ज्वाइन करेगा। तो एक पॉइंट क्या कर रहा है, एक वर्टेक्स तीन वर्टेक्स बना रहा है। अब हमें टोटल काउंट करनी है, इसमें कितनी वर्टेक्स होगी, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो इसमें टोटल वर्टेक्स कितनी होगी, सॉरी टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, 9। इस फिगर में हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स हो गए, 9। अब नेक्स्ट फिगर क्या है, सी। अब सी क्या है, एक ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, हमने लिया एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के बनाओ वर्टेक्स। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होंगी, एक तो ये होगी, एक ये होगी, और हमें ज्वाइन किससे करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स से। लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव तो बची नहीं, क्योंकि एक इसकी ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे क्या है, इसकी कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। तो इसमें कोई क्या कोई डायगनल बनेगा, नहीं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी डायगनल नहीं बनेगा। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितनी होती है, जीरो डायगनल, इसके अंदर एक भी डायगनल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तीन वर्टेक्स होते हैं और दोनों ही साइड इसकी क्या कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हो गई। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है डायगोनल की, कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स से जॉइन करेंगे वो बनाती है एक डायगोनल। तो इसके अंदर एक नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है ही नहीं, तो डायगोनल बनेगी नहीं। तो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर डायगोनल नहीं होती। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, वट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कॉन्वेक्स। अब देखो, हमें एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है, और उसके क्या बताने हैं, इसके जितने भी एंगल्स होते हैं उनको मेजर करके उनका सम बताना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमें बताना है कि जो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम है, क्या वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम भी उसी के बराबर होगा। मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों के एंगल्स का सम क्या बराबर होगा, अब हमें ये बताना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स निकालेंगे, और उसके बाद नॉन कॉन्वेक्स, नॉन कॉन्वेक्स क्या हो गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो निकालते हैं। अब देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, कि उसका डायगोनल कहाँ बनेगा, उसके अंदर बनेगा, हमें एक ऐसी फिगर बनानी है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड्स, तो बनाते हैं, ये हो गया हमारा एक डायगनल, और डायगनल सॉरी फिगर क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये हो गया इसके चार वर्टेक्स। अब देखो, अगर मैं इसको इस डायगनल बनाऊं इसका, तो ये क्या होगा, ऐसे एक डायगनल भी बन जाएगा इसका। अब हम इसके एंगल्स का नाम रख देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो, लेते हैं, ये हमने फिगर का नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखो, हमें पता है एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल होते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी और सी की, तो ए बी सी क्या हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ए बी सी। ए बी सी के अंदर एंगल्स क्या आ रहे हैं, एंगल 1 2 एंड एंगल 3। जब ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करूंगा मैं, तो ये क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी सी डी की, तो इसमें एंगल्स क्या होंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6, ये भी क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, क्योंकि बी सी डी भी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और ए बी सी भी एक ट्राइंगल है, इसके एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, पूरे क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल बन रहे हैं हमारे, अब देखो, अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी की, तो इसमें कितने एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस
प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। अब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या होगा, 180 डिग्री होगा। प्लस करेंगे एंगल फोर एंड फाइव एंड सिक्स को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और 180 और 180 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स हैं उनका सम क्या निकल के आया, 360 डिग्री। इनका सम क्या निकल के आया, 360 डिग्री। और अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करना चाहता, अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में फॉर्मूला क्या किया था, 9 - 2 × 180 डिग्री। साइड्स एन का मतलब क्या होता है, साइड्स, साइड्स कितनी है इसकी, 4 - 2 × 180 करेंगे, 2 × 180 करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री तब भी आएगा। तो इसके जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है जो इसके एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें और बताना किसके इक्वल है इसे, कि ये है या नहीं किसके, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब नॉन कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कॉनकेव, कॉनकेव क्या होता है, जिसके डायगोनल क्या हो, फिगर के बाहर भी बने। अब हमें एक ऐसी फिगर बनानी है तो चलिए बनाते हैं। देखो ये बन गया है एक हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी चार साइड्स हैं। इसके चार ही क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। इसको नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। एक इसकी डायगोनल बना लेते हैं, ये क्या होगी इसकी, एक डायगोनल होगी। अब एक डायगोनल कहाँ, इसकी बाहर भी बन सकती है, इसी के बेस पे तो हमने बताया कि ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। हम रब कर देते हैं, हमें अंदर की जरूरत है बस। देखो इसमें देखो, अगर मैं इसको एंगल वन बोलूं, इसको टू, इसको थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, तो ये क्या हो गए, सभी इसके एंगल्स हो गए। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी क्या है, 180 डिग्री है। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी सी डी की, तो इसमें एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। तो ये भी एक ट्रायंगल है तो इसके भी एंगल्स का सम क्या होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। और अगर मैं पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करूं ए बी सी डी, तो हम इसमें करेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव एंड प्लस एंगल सिक्स। अब देखो वन प्लस टू प्लस थ्री हमने ऊपर देखा 180 डिग्री है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ये भी हैं कितने, 180 डिग्री। अब 180 180 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री। तो एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम भी क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम भी क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल। सो हेंस प्रूव क्या, इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमें इसमें निकालना था कि क्या होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या निकाला, दोनों के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ एकदम आपको ये, अगर नहीं हुआ तो आप एक बार इसको दोबारा वीडियो को पीछे करिए और दोबारा इसको समझने की कोशिश करिए। तो अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है हमें, एग्जामिन द टेबल, टेबल देखो, ईच फिगर इज डिवाइडेड इंटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट साइड गिवन है। What can you say about the angle of convex polygon with number of sides? अब हमें क्या बताना है, इनकी number of sides के हिसाब से इनके वो बताना है कि angles कैसे निकले, मतलब कि इसके interior angles का sum बताना है। अब देखो solution करते हैं इसका, जब हम figure one लेते हैं, हम figure one क्या है, एक triangle है। अब triangle में
ट्रायंगल्स की साइड कितनी होती है? 3। अगर हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका क्या निकालें, एंगल्स का सम निकालें, तो कैसे निकलेगा? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब साइड्स कितनी है? 3। 3 माइनस टू इंटू 180 डिग्री करेंगे क्या होगा, 1 इंटू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब फिगर नंबर टू देखो, फिगर नंबर टू क्या है, जिसमें साइड्स गिवन है कितनी, 4। अब 4 साइड्स किस में होती हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में होती हैं। अब जब एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं। अब हम इसी को अगर फॉर्मूले में पुट करें, 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, 4 इन 4 माइनस टू क्या होंगे, 2 बचेगा इंटू 180 डिग्री। जब 2 इंटू 180 करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर क्या है, जिसकी साइड्स हों 5, जिसकी साइड्स 5 होती हैं, ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं, पेंटागन। साइड्स कितनी है इसमें, 5। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब 5 माइनस टू क्या होगा, 3 इंटू 180 डिग्री। अब 180 इंटू 3 क्या होगा, 540 डिग्री। तो ये क्या निकल गया, पेंटागन के जो एंगल्स का सम क्या होगा, 540 डिग्री। अब नेक्स्ट फिगर देखो, जिसमें साइड हो 6, तो जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं हम हेक्सागन। इसमें क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगी 6। अब नंबर ऑफ साइड 6 किस में होंगी, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 बचेगा इंटू में 180 डिग्री करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 720 डिग्री। तो एक हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 720 डिग्री होगा, और पेंटागन का 540 डिग्री होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आया, अगर आया तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमें एक रेगुलर पॉलीगन बताना है क्या होता है। अब रेगुलर पॉलीगन जैसे कि हमने पढ़ा है क्या होता है, जिसमें एंगल्स भी सेम हो और लाइंस की जो लेंथ हो वो भी सेम हो। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इन अ रेगुलर पॉलीगन क्या होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए इसकी वो इक्वल्स होनी चाहिए, एंड एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। उसके एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं इस फिगर की बात करूं, मैंने एक फिगर ली, इसमें क्या होने चाहिए, इसके ये एंगल्स, तीनों एंगल्स, तीन एंगल्स बनेंगे तो ये तीनों सेम होने चाहिए और इसके तीनों साइड्स भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे पॉलीगन को क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब हमें बताना है कि तीन साइड का रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या, ट्राइंगल। और फोर साइड्स का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। एंड जिसकी क्या होंगी, 6 साइड्स होंगी, उसको बोलेंगे हेक्सागन।
ये क्या हो गया हमारे तीन, इसने पूछे थे कि तीन साइड वाले को क्या बोलेंगे, जिसकी चार साइड होंगी उसको क्या बोलेंगे, जिसकी सिक्स साइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे। तो तीन साइड्स को बोलेंगे ट्राइंगल, चार साइड्स को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, एंड सिक्स साइड्स को क्या बोलेंगे हेक्सागन। तो क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ईजी था, अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बताना है हमें, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें इन फिगर्स में देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब सबसे पहले फिगर ए देखो, ये एक इसमें साइड्स कितनी है, सबसे पहले एक दो तीन चार, इसमें चार साइड्स है, चार साइड्स का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। जब एक क्वाड्रिलेटरल है इसमें एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखो हमें इसमें तीन एंगल्स जो हैं वो गिवन है, हमें फोर्थ नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है जब हम सारे एंगल्स को प्लस करेंगे, 50 डिग्री को प्लस 130 डिग्री को प्लस 120 डिग्री एंड प्लस एंगल एक्स, जब इन चारों एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब देखो जब एंगल 50 प्लस 130 प्लस 120 करेंगे, इसे करेंगे एंगल 50 प्लस, ये हो जाएगा एंगल 250 प्लस एंगल एक्स, तो ये क्या होगा 360 डिग्री। 50 को 250 में ऐड करेंगे तो ये होगा एंगल कितना बनेगा, ये 300 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें एक्स निकालना है, तो 300 एक्स के साथ क्या है, प्लस में, साइड चेंज करेगा तो माइनस में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री। तो जो हमारा x है, x कैसे, x क्या होगा 60 डिग्री, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब देखो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमें इन्हें इसी बेस पे निकालना होता है, जैसे कि कोई भी फिगर हो चाहे वो उसकी साइड्स 5 हो 6 हो 7 हो, हमें सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से उसके निकालना है कि उनके एंगल्स का सम क्या होगा। अब जितने एंगल्स हमें गिवन होंगे सबको ऐड करके, एक गिवन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे, एंड सबको ऐड करके साइड चेंज करके, जब उसे साइड चेंज करके दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें जो नई गिवन है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेम हम इसी टाइप से करेंगे। अब देखो फिगर नंबर ए में हमने जैसे करा, अब वैसे ही फिगर नंबर बी देखो। अब फिगर नंबर बी कुछ इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, अब साइड्स कितनी है इसकी, चार, चार का मतलब क्वाड्रिलेटरल, और सबका सम क्या है, 360 डिग्री। अब लेकिन हमें इसमें सिर्फ दो एंगल गिवन है, हमें तीसरा एंगल निकालना है, और फोर्थ तो हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हम जब निकालेंगे तो तब ना, जब हमें सब तीन का कम से कम सम पता हो, और एक ही तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले ये चीज जानो, जैसे कि ये एक लाइन है, जब हम एंगल्स बनाते हैं ये एक पॉइंट है, अब हम इस पॉइंट से ही हम पता लगाते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है, एंड देन जब लाइन स्ट्रेट होगी तो ये एंगल क्या होगा, फिर ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंड देन ऐसे इस साइड से क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन जब ये एंगल पूरा इसके दूसरी साइड में आ जाता है तो इस पूरे का क्या होता है सम, ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब इसको बीच में हाफ करते हैं तो 90 डिग्री होता है। सेम ऐसे ही अगर ये एक लाइन है और इसको ऐसे बीच पॉइंट पे हाफ किया हुआ है, अगर ये एंगल 90 है और हमें पता है कि ये पूरा क्या है, 180 डिग्री है, तो हम इस एंगल को आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, पूरे में से जितना एंगल गिवन है उसको माइनस कर दो। अब पूरा 180 डिग्री है, हमें 90 गिवन है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो हमारा ये एंगल भी क्या निकलेगा, 90 डिग्री, ये भी 90, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री। तो हमें इस टाइप से भी एंगल निकालने पड़ते हैं। अब इस फिगर में क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो ये दिया हुआ है 90 डिग्री, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है जब एंगल्स को ऐसे स्क्वायर में गिवन होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके साइड में दूसरी साइड का एंगल भी क्या होगा, ये भी क्या निकलेगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस लाइन से ये पूरा क्या है, ऊपर की साइड 180 डिग्री, जब इधर का 90 है तो इधर का 90 होगा, क्योंकि 90 90 ऐड करेंगे तभी तो 180 डिग्री होगा। इतना समझ में आया। अब देखो हमें 70 60 और 90 तीनों एंगल्स मिल गए, अब हमें सिर्फ फोर्थ एंगल निकालना है, और पूरे फिगर का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो चलिए निकालते हैं।
देखो फिगर नंबर बी की बात करें हम, क्या होगा एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या निकलेगा 360 डिग्री। जब एक्स में ऐड करेंगे, अब हम तीनों को ऐड कर दो, 70 प्लस 60 प्लस 90, 90 प्लस 60 क्या होगा 150 डिग्री। अब 150 डिग्री प्लस 70 220 डिग्री, ये इसको होगा 360 के इक्वल। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री, अब 220 इधर प्लस में है, फैड चेंज करेगा तो माइनस में होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिग्री। तो जो एक्स है इसकी वैल्यू होगी 140 डिग्री। तो फिगर नंबर ए में भी हमने सेम टाइप से निकाला, फिगर नंबर बी में भी निकाला। अब फिगर नंबर सी की तरफ चलते हैं। अब फिगर नंबर सी में देखो कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमने ऊपर एक साइड 90 पता था हमें है, अब हमने दूसरी साइड का 90 निकाला। अब सेम हमें इस साइड ऊपर बी में क्या था 90 गिवन था, इस साइड हमें पहले ही 70 गिवन है। अब देखो अगर ये 70 है और ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री होगा, और इधर 60 है तो इधर भी ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री होगा, नहीं होगा। अब देखो जब इधर भी 180 है इधर भी 180 है और हमें अंदर का एंगल निकालना है ये वाला दोनों साइड, अगर 70 में हम इस साइड कुछ एंगल होगा उसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे कि मैं इधर फिगर पे समझाता हूँ आपको, अब देखो ये हमारा पूरा एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन हमें सिर्फ इधर का गिवन दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। अब इधर का 70 है इधर का निकालना है, तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 110। तो जो हमारा इधर का एंगल होगा वो क्या निकल जाएगा 110। अब सेम इधर देखो, इधर 60 गिवन है, पूरे का सम 180 डिग्री है, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा 120 डिग्री। अब हमें दोनों इंटीरियर एंगल मिल गए, इधर 180 है इस साइड 120 है, तो इधर क्या है 110, इधर क्या है 120। अब देखो 120, अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल क्या हैं फिगर में गिवन है, इक्वल हैं, ये दोनों ही क्या हैं एक्स हैं, और ये क्या है 30 डिग्री है। अब इसकी साइड्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी कितनी पांच साइड है। पांच साइड का मतलब ये एक पेंटागन है। आप पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा निकालते हैं, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, क्या निकलेगा 540। तो ये जो फिगर की बना है हमें इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 540 डिग्री होगा। अब देखो अब हमें इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी पता है, हमें इसके तीन एंगल्स भी पता है, अब हमें ये पता है कि दो एंगल्स क्या है सेम है। अब हमें सिंपल सॉल्व भी तो करना है इसे। देखो 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, क्योंकि दोनों एक्स हैं, प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री किसके बराबर होंगे 540 के, होंगे नहीं होंगे। अब देखो अब जब इनको ऐड करेंगे हम 30 में और 110 को और 120 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 230, और 230 में 30 ऐड करेंगे तो 260। तो एक्स प्लस 260 इज इक्वल टू 540। अब देखो एक्स एंड एक्स को ऐड करेंगे, एक्स प्लस एक्स तो क्या होगा 2x प्लस 260 इज इक्वल टू 540। अब 260 को साइड चेंज करके ले जाएंगे किस में, माइनस में, तो आंसर क्या होगा हमारा 2x का निकलेगा हमारा 540 में से 260 को माइनस करो तो क्या बचेगा 0। टू एट्टी डिग्री। अब देखो अब x के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई में, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसको, और सिंपलेस्ट सॉल्व करना है, 2 से काटो इसको, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 140 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 140 डिग्री। अब हमारा दोनों x हैं तो ये भी 140 है एंड ये भी 140 ही है।
ये हमारे दोनों x की वैल्यू निकल गई, एक ये भी x भी 140, ये x भी 140, और दो हमने निकाल लिए थे, एक 110 था, एक 120 था। तो इसी के साथ क्या होगी, सी नंबर की फिगर जो है इसके भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो फिगर नंबर डी, देखो फिगर नंबर डी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इन चारों में से सबसे इजी। वो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो पहले मैं शेड को रब कर देता हूँ। अब देखो ये तो हमें गिवन है पहले से ही कि सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि देखो हर लाइन पे क्या है, सेम साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सारी साइंस क्या हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। इसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसकी टोटल साइड्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो इसकी साइड्स कितनी होगी टोटल, पांच। पांच का मतलब पेंटागन है, हमारी सी नंबर की फिगर भी पेंटागन थी, डी भी पेंटागन है, तो इनके एंगल्स का सम क्या होगा, 540 डिग्री। अब देखो सबका सम अगर एक्स है तो 5 बार एक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि पांचों एंगल क्या है, एक्स है, किसके बराबर है, 540 डिग्री के। तो टोटल क्या बनेगा, 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 1 5, 0, 5 × 8 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 108 डिग्री। मतलब इसके सभी एंगल्स क्या हैं, 108 डिग्री के हैं। तो सभी एंगल्स क्या हो गए इसके, 108 डिग्री के हो गए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखिए क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर में फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। अब ये कैसे निकलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। हम एक एक करके सबकी क्या निकालते हैं, एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हम इस लाइन को अगर मैं इधर लिखूं और इसको ऐसे डाल दूं, तो ये इधर एक्स है, इधर क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन इस पूरे का सम क्या होगा, तो पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें इसका हाफ पता है, 90 है, तो इधर का कितना बचेगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा ना। तो हमारा एक्स क्या होगा, एक्स क्या निकल जाएगा, एक्स भी 90 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि 180 में से टोटल में से गिवन क्या है, 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो एक्स का निकल गया 90 डिग्री। अब देखो एक्स निकल गया, अब सेम इसी टाइप से जेड निकालेंगे। अगर मैं जेड को भी ऐसे लिखूं, ये है 30 डिग्री, ये है जेड, पूरा क्या होगा, 180 डिग्री। पूरे में से हमें जितना पता है 30 डिग्री, उसको माइनस करेंगे, 180 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो जेड क्या बचेगा, हमारा बचा हुआ एंगल है 150 डिग्री। अब बचा हुआ एंगल क्या है, जेड, तो जेड क्या हो गया, 150 डिग्री, क्योंकि देखो 150 को में 30 ऐड करेंगे तो 180 बन गया, 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 बन गया। अब देखो हमें इंटीरियर एंगल से 30 पता है, 90 गिवन है, हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसमें जो एंगल्स का जो सम है एक ट्रायंगल में, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जब हम करेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस इस एंगल्स को हम क्या स्टार ले लो फिलहाल के लिए, प्लस स्टार, तो क्या बनेगा, सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब 90 प्लस 30 क्या होगा, 120 डिग्री प्लस स्टार इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो स्टार की वैल्यू कैसे निकलेगी, 120 इधर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो
60 डिग्री। तो हमारा ये वैल्यू क्या निकल गई, स्टार जो हमने जिसको लाइट किया था ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो अगर ये 60 डिग्री है, अगर मैं इस फिगर को भी लिखूं, ये मैंने बनाई ऐसे ऐसे, अगर ये वाई है, ये 60 है, पूरा 180 है, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो एंगल जो बचा हुआ होगा वो हमारा वाई आएगा कि नहीं आएगा। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 120 डिग्री। तो वाई क्या हो गया, 120 डिग्री। और इसको थोड़ा फेयर लिखते हैं, अगर मैं इसको फेयर लिखूं तो हमारा जो एंगल एक्स था वो क्या आया था, एक्स क्या आया था 90 डिग्री, वाई क्या आया 120 डिग्री, जेड क्या आया 150 डिग्री। अब हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है, तो एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड क्या निकलेगा, 90 प्लस 120 प्लस 150, इसको ऐड कर दो कितना होगा, ये होगा 270, 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया, 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा b है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, हम इसको भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, मैं ये फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये क्या है W, ये क्या है 120, ये क्या है X, ये क्या है 80 डिग्री, और ये क्या है Y, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है Z। चलो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब मैंने आपको इसी से सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बस ये खुद ट्राई कीजिए आपसे होता है या नहीं होता। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।